भी अर्पिता के मुंह से निकला। अबे घर पहुंच। अर्पिता को ताज होटल से घर आने में देर हो गई थी। घर पहुंचकर जब उसने ऊपर बालकनी में खड़े गौरव को देखा तो और हड़बड़ा गई। गौरव को देखते ही अर्पिता के मुंह से निकला, अबे यार आज ही इतनी जल्दी कैसे आ गया? अब इसको क्या बोलूंगी कि कहाँ थी? फिर ये रेड ड्रेस भी तो पहनी हुई है। बाबा जी तुम्हें भी ना बड़ा मजा आता है मुझे ऐसी सिचुएशन में बार बार फंसा कर। अर्पिता आसमान की तरफ देखते हुए बोली, फिर कैब वाले को पैसे दिए और तेजी से बिल्डिंग के अंदर भाग गई। अर्पिता ऊपर पहुंची तो गौरव फ्लैट का दरवाजा खोलकर खड़ा था और उसको गुस्से और हैरानी से देख रहा था। अभी तो वो फ्लैट में घुसी भी नहीं थी कि गौरव शुरू हो गया, तुम तो ऑफिस से ये कहकर निकली थी कि घर जा रही हूं, अब लौट रही हो, और ये ड्रेस कब और कैसे बदल लिया तुमने? अर्पिता ने अपनी हड़बड़ी छुपाते हुए पलटकर पूछा, तुम घर कब आए? गौरव ने गुस्से में कहा, मैं तो 5 बजे आ गया था, ऐसे कहां घूम रही थी कि फोन भी आउट ऑफ रीच आ रहा था। अब सीधा सीधा जवाब दो, मुझे ना फालतू में बेवकूफ मत बनाना। अर्पिता एकदम से बोल उठी, मैं बेवकूफ बना रही हूँ या तुम? सुबह से कैसे बेबी बेबी लगा रखा था और फिर ऑफिस वालों के सामने इतना भाव दे रहे थे? यहाँ प्यार के 2 शब्द नहीं कहते हो और वहाँ कैसे लिपट लिपट के हंसी मजाक कर रहे थे आप? यू आर माई फर्स्ट लव। क्या था वो सब? अर्पिता ने गौरव और उसके कोलीग्स को इमिटेट करते हुए कहा। गौरव एकदम से चुप हो गया। अर्पिता ने मौका देखा और रूम में चेंज करने चली गई, पर बाहर खड़ा गौरव उसके सवाल का जवाब देने के बारे में सोचने लगा कि वो अर्पिता को ये बड़े शहर के ठाट बाट कैसे समझाए, आखिर है तो पक्की बनारसी ही ना। रूम के अंदर अर्पिता को लगा, चलो जान बची जल्दी से कुछ सोच लेती हूँ वरना ये जवाब जाने बिना आसानी से छोड़ेगा नहीं मुझे। उसने जल्दी से ड्रॉर से एक लिफाफा निकाला और उसमें थोड़ा कैश डाल के फटाफट कपड़े बदले और बाहर ताव में निकल आई। गौरव ने उसे देखते ही फिर से कहना शुरू कर दिया, ये सब यहाँ का कल्चर है, तुम नहीं समझोगी कि हाँ मैं नहीं समझूंगी। क्या प्यार जता रहे थे सबके सामने, ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे जैसे सच में अपनी शादी से सबसे ज्यादा खुश तुम ही हो, पर मेरा क्या? उन सबके सामने मुझे आउट ऑफ प्लेस फील हो रहा था तो जबरदस्ती वाइन क्यों पिलाए जा रहे थे? अर्पिता ने उल्टा गौरव को सुनाते हुए कहा। गौरव ने फिर बात घुमाते हुए पूछा, अब पार्टी का छोड़ो वो बात बीत गई है, पहले ये बताओ कि वहां से कहां अकेले घूमने निकल गई थी और वो भी इतना लेट तक? अर्पिता ने उसके हाथ में लिफाफा रखा और कहा, मैं गुस्से में अकेले मॉल निकल गई थी खुद को शांत करने के लिए, और कमाल की बात है वहां मुझे अहमदाबाद वाले मामा जी मिल गए, इसलिए देर हो गई, शादी में आ नहीं पाए थे ना तो इमोशनल हो गए, हाल चाल पूछने लगे कि जमाई बाबू नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने कुछ पट्टी तो पढ़ा दी लेकिन वो बड़े निराश हो गए मुझे ऐसे अकेले देखकर शादी के बाद भी। अर्पिता ने बड़े स्मार्ट तरीके से बाजी उल्टी करते हुए गौरव को ही गिल्टी पार्टी बना दिया। फिर उसने गौरव के हाथ में वो लिफाफा रखा, उन्होंने दिया है शादी का शगुन, ये लो रखो। गौरव जिसको अर्पिता की बात बड़ी अटपटी सी लग रही थी उसने बोला, तुम्हारे मामा जी तो बड़े दूरदर्शी हैं, जेब में शगुन का लिफाफा लिए घूमते हैं, खैर मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अर्पिता ने एकदम से टोका, हाँ हाँ बस अपने ऑफिस वालों और बॉस के सामने इंटरेस्ट आते दिखाने में, घर में तो तुम्हें खुद के अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। गौरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, एक सरप्राइज था तुम्हारे लिए, पर छोड़ो अब कल ही बताऊंगा ऑफिस से जल्दी आके। अर्पिता भी फौरन तुनक कर बोलती है, अरे क्या सरप्राइज था बताओ तो। तभी गौरव का फोन बजने लगा और वो उसे उठाते हुए बेडरूम के अंदर चला गया और बात करने लगा। अर्पिता बुदबुदाई, बाबा जी इस आदमी पे ना मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, कहीं ये सरप्राइज के चक्कर में शॉक ना दे दे, वैसे भी मुझे कल 12 बजे रेडियो मस्ती के स्टूडियो पहुंचना है। अर्पिता धम से कुर्सी पर बैठ गई, अब मैं क्या करूं, ऊपर से वो FM वाला खड़ूस भी जाने राज है या ऋत्विक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, धुआं निकल रहा है मेरे दिमाग से। बुड़बुड़ करते हुए उसने अपना माथा पकड़ लिया, उसके जहन में राज को लेकर 100 सवाल थे, जो रात को इतना फ्लटिंग और हसमुख था वो दिन में इतना रूड कैसे था, रात को जिससे बात हुई उसने अपना नाम राज सिंघानिया बताया था तो विजिटिंग कार्ड पर ऋत्विक सिंघानिया क्यों लिखा था, माजरा क्या है? वो उसी में उलझी थी, अगर 12 बजे तक स्टूडियो पहुंचना है ना तो घर से भी जल्दी निकलना पड़ेगा, उस खड़ूस ने तो टाइम पर पहुंचने के लिए अल्टीमेटम ऐसे दिया है कि लेट हो गई तो फांसी पर चढ़ा देगा, हिटलर की औलाद। सुबह अर्पिता ने बड़ी फुर्ती से सब काम निपटाया, गौरव तैयार होकर नाश्ता करके चला गया और जाते जाते फिर से कह गया, जल्दी आऊंगा सरप्राइज के साथ। अर्पिता ने मन ही मन जवाब दिया, मैं भी एक सरप्राइज तैयार रखूंगी। 12 बजे से पहले ही अर्पिता गुरुग्राम के उस कॉर्पोरेट ऑफिस एरिया में पहुंच गई थी जहां रेडियो मस्ती का भी स्टूडियो था। स्काई हाई बिल्डिंग्स, चहल पहल, रौनक, हंसते खिलखिलाते लड़के लड़कियां, अर्पिता को वो माहौल बहुत रोमांचक लग रहा था। पर ऑफिस के अंदर जाकर जब उसने अपना नाम बताया तो रिसेप्शनिस्ट ने उसको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भेज दिया। अर्पिता में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, पर उस दिन उस माहौल में वो बहुत नर्वस थी। ये कॉर्पोरेट की दुनिया, ये चकाचौंध, उसके लिए सब कुछ नया सा था, पर वो यहाँ आकर खुश भी थी क्योंकि उसने बचपन से इसी तरह के माहौल में काम करने के सपने देखे थे। थर्ड फ्लोर पर जब उसने अपना नाम बताया
तो गार्ड ने उसको एक कैबिन की तरफ इशारा किया जिसके ऊपर नेम प्लेट लगी थी, ऋत्विक सिंघानिया। पिछले दिन का उसका अकड़ू बिहेवियर याद करके अर्पिता को झुरझुरी छूट गई। अर्पिता सोच रही थी कि अंदर जाकर बात कैसे शुरू करे कि इतने में ही कैबिन का दरवाजा खुला और ऋत्विक बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसकी नजर अर्पिता पर पड़ी और फिर उसने अपनी घड़ी में समय देखा और बोला, गुड, और हाथ के इशारे से अर्पिता को अपने पीछे कैबिन में आने को कहा। अर्पिता के कैबिन में आते ही बिना किसी फॉर्मेलिटी के वो सीधा टू द पॉइंट बोला, मिस अर्पिता, 12:30 बजे आपका शो ऑन एयर किया जाएगा। मैं किसी को बोलता हूँ आपको स्टूडियो के अंदर लेकर जाए। आप वहीं बैठकर कॉल अटेंड करेंगी। मैं कुछ और भी लोगों को भेजूंगा जो देखेंगे कि आप कॉलर्स की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करती हैं। दिस इज लाइक अ लाइव इंटरव्यू फॉर यू फॉर दिस जॉब सिलेक्शन, ताकि पता चले कि आप कितनी प्रोफेशनल हैं। अर्पिता खड़ी उसे टुकुर टुकुर देखकर ख्याली पुलाव पकाने लगी। चीज क्या है ये बंदा, ऑर्डर देखो कैसे चला रहा है मुझ पर। इसको तो दिखाना पड़ेगा कि इसके पप्पा की नौकर नहीं हूं मैं। अर्पिता को इस तरह अपनी तरफ एकटक देखते हुए ऋत्विक ने उसको टोका। मिस अर्पिता, आप सुन रही हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ? हाँ, सुन रही हूँ, अर्पिता एकदम से बोलती है। ऋत्विक ने अपनी टेबल पर रखे इंटरकॉम से आलोक नाम के लड़के को बुलाया और अर्पिता को स्टूडियो में ले जाने को बोला। आलोक ने अर्पिता को हेलो बोला और साथ ले जाकर स्टूडियो में सारा सिस्टम समझाया कि कहाँ से कॉल लेना है, कैसे डिस्कनेक्ट करना है। उसका बात करने का अंदाज इतना फ्रेंडली और पोलाइट था कि अर्पिता की घबराहट अब कुछ कम हो गई थी। 12:30 बजने ही वाले थे। अर्पिता नर्वस थी पर एक्साइटेड भी थी। अपनी चेयर पर बैठकर सारे स्विच ध्यान से देख रही थी कि इतने में स्टूडियो का दरवाजा खुलता है और एक एक करके 8 लोग अंदर आते हैं और सामने रखी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। अर्पिता ने आलोक की तरफ देखकर पूछा, अब ये लोग कौन है? तो उसने बताया, इन्हें बॉस ने भेजा है, ये सब प्रोफेशनल रेडियो जॉकी हैं। ये देखेंगे कि तुम कॉलर्स को कैसे हैंडल करती हो। ये सब बहुत एक्सपीरियंस्ड है और बहुत समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तुम पहला केस हो जिसे ऋत्विक सर बिना किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के इस तरह चांस दे रहे हैं। यू मस्ट प्रूव योरसेल्फ वर्थी। अर्पिता जो खुद को संभाल कर अब जाकर थोड़ी नॉर्मल हुई थी, फिर से बहुत नर्वस हो गई। 12:30 बज चुके थे और बजते ही पहला कॉल आ गया। आलोक ने अर्पिता को कॉल रिसीव करने का इशारा किया। अर्पिता ने कॉल रिसीव की। शेयर योर सीक्रेट्स विद कोयल मल्होत्रा। कोयल मल्होत्रा बोल रही हो? कॉलर की आवाज बहुत भारी और हरियाणवी टच की थी। अर्पिता रिस्पॉन्ड करती है उससे पहले ही उसने दोबारा बोला, अरे बोलेगी भी, कोयल मल्होत्रा ही है ना? अर्पिता को एक पल लगा ये याद करने में कि कोयल मल्होत्रा उसी का नाम है। वो एकदम से बोली, यस यस, कोयल मल्होत्रा, पीएचडी स्पेशलिस्ट दिस साइड। हाँ कोयल, बुल बुल जो भी है, तू मेरी समस्या सुन पहले और देख, खड़ी अंग्रेजी तो झाड़ियों मत मेरे थे। मेरी समस्या यो है कि मन ने अपनी बीवी पर शक है कि वो मुझसे झूठ बोल कर जाती है, बताती कहीं और है, होती कहीं और है, जाती कोई कपड़ों में है, आती दूसरे कपड़ों में है, कुछ पूछता हूँ तो अजीब अजीब से बहाने बनाती है। मैं किस तरह पता करूं कि चल के रहा है? मन ने तो गुस्सा भी इतना आवे है कि धर लूं सने तो माथा फोड़ दूं। पर मैं सोच रहा हूं थोड़ा शांति से काम ले लूं, पर कैसे शांति से काम लूं जरा बता मन ने। वो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह बोलता चला गया। ऐसा अजीबोगरीब सवाल सुनकर अर्पिता का रहा सहा फ्यूज भी उड़ गया। एक बार को तो उसको लगा जैसे गौरव ही कॉल के उस साइड है और उसी का झूठ पकड़ा जा रहा है। सामने बैठे सारे आरजे उसको ध्यान से देख रहे थे। उन सबको अपने को इस तरह देखता देख वो और नर्वस होती जा रही थी। सोच रही थी कि क्या बोले कि तभी सामने वाला कॉलर एकदम से अग्रेसिव हो गया। ये फूटेगी भी कुछ मुद्दे है कि सारा दिन फोन धरे बैठा रहूं। और भी काम है भाई मन ने। वो गौरव नहीं था। अर्पिता को अपने डर की वजह से उटपटांग ख्याल आने लगे थे। अर्पिता की चुप्पी से वो शॉर्ट टेम्पर कॉलर बिल्कुल ही ठेठ हरियाणवी पर उतर आया और चीखने लगा, साफ सुन गया कि छोरी यूं ही टाइम खराब करने बैठी है? एक तो इतनी मुश्किल से हम लोगों के फोन लगे हैं, सोचा कि भारी समस्या का जुगाड़ बता देगी और तू है कि बोल की ना देगी। किन किन का धोखा रख ले हुए हैं यो एफएम वाले। अब छोरी तेरे बस का कुछ नहीं है तो कुर्सी पर क्यों फंसी बैठी है? दिमाग का दही कर दिया कमबख्त। घर वाली ने फोड़ू ना फोड़ू, मौका मिले तो हम एफएम वालों की धुनाई जरूर कर दूं। वो अनाप शनाप बोल ही रहा था कि इतने में स्टूडियो के अंदर तेजी से ऋत्विक दाखिल हुआ और अर्पिता के पास खड़े आलोक को तेज लहजे में बोला, कट द कॉल यू इडियट, कट द कॉल यू इडियट, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। इस लड़की की बेवकूफी से चैनल की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ रही है। आलोक ने हड़बड़ाकर फटाफट कॉल काटा। ऋत्विक अब एकदम से अर्पिता पर बरस पड़ा। मिस अर्पिता, कोयल मल्होत्रा बनना इतना भी आसान नहीं है। हो गई सिट्टी बिट्टी गुल, बोलती बंद। ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रही थी। अर्पिता घबराकर सिर्फ इतना ही बोल पाई। वो कॉलर गालियां कि ऋत्विक ने उसकी बात काटकर सख्त लफ्जों में कहा, एक काम करते हैं, पहले तुम आरजे की ट्रेनिंग ले लो, ऐसे अजीबो गरीब कॉलर्स को कैसे जवाब देते हैं सीख लो, फिर ये नौकरी तुम्हारे नाम हो सकती है। फॉर नाउ यू आर क्लियरली नॉट फिट फॉर दिस जॉब। कहकर ऋत्विक स्टूडियो का दरवाजा जोर से मारकर बाहर चला गया और जाते जाते ये बड़बड़ाता गया, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, अपने आप को कोई कितना ही तीर समारखा समझ ले, लाइव ऑडियंस को संभालना इज नॉट अ जोक। सामने बैठे सब आरजे मुंह दबाकर हंस रहे थे। ये सब देखकर अर्पिता को बहुत बुरा लगा। इतनी इंसल्ट जिंदगी में आज तक उसकी कभी नहीं हुई थी। उसका बदन गुस्से से कांप रहा था। अर्पिता मन ही मन फिर से बुदबुदाई, अच्छा बाबूजी,
तो अब आप मेरा ऐसे टेस्ट लोगे? ठीक है, यही सही। ये एफएम वालों की तो ऐसी की तैसी। और उस ऋत्विक से ना इस बेइज्जती का हिसाब तो मैं लेकर रहूंगी। आप देखना मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। ये कोयल मल्होत्रा शो का टाइम था, कॉल बार बार आ रहे थे। इस बार जैसे ही कॉल बजा, आलोक उसे कट करता उससे पहले ही अर्पिता ने स्विच ऑन कर दिया और पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, शेयर योर सीक्रेट्स विद कोयल मल्होत्रा। हाय कोयल मल्होत्रा दिस साइड। वहां पे बैठे सब लोग चौंक गए कि ये लड़की अब क्या करने वाली है। ऋत्विक जो अपनी कार में बैठ गया था, रेडियो पे ये सुनते ही उसने भी कार को रोक दिया। स्टूडियो में बैठे लोग कुछ समझते और ऋत्विक दोबारा कुछ रिएक्ट करता, इससे पहले ही कॉलर ने कुछ ऐसा कहा कि सबको सांप सूंघ गया। अर्पिता ने जैसे ही बोला कोयल मल्होत्रा दिस साइड, दूसरी साइड से एक घबराई हुई लड़की की आवाज आई। आपके शो के जरिए मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अगले 5 मिनट में सुसाइड कर रहा हूँ। मेरे सुसाइड के बाद मेरे घर वालों को परेशान ना किया जाए। लड़की के ये बोलते ही हर तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। सब एकदम दंग रह गए। अर्पिता अब क्या जवाब देगी, इस पर सबकी निगाह थी। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ ओनली ऑन पॉकेट एफएम।